यार हम ना भीग तो जाएंगे बट यार काम करना बहुत जरूरी है, अब निकल लेते जल्दी फटाफट काम करके आते सैड पैड के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यार अभी ना मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, मास्क वास्क लगा के आप समझ ही गए होंगे कि मेरा बाहर जाने का प्लान है। तो मैं अभी ना दिल्ली जा रहा हूँ, तो मेरे को आईपैड जो है ना वो दे के आना है अपना। तो अभी भाई मैं लेट हो रहा हूँ काफी, तो बाकी की स्टोरी मैं रस्ते में बताता हूँ, वो भी निकलते जल्दी फटाफट से। तो यार ओबी यहाँ पे सो रहा है, ओबी बाय बाय ओबी। तो यार अभी ना मैं निकल चुका हूँ और भाई धीरज का है ना आज एग्जाम था और है ना वो गुड़गांव में वेट कर रहा है मेरा। तो यार उसने मेरे को बोला था कि 12:30 बजे तक पहुँच जाइयो, बट यार लेट हो गया मैं, तो भाई गुस्सा है मुझसे वो बहुत ज्यादा। अभी जस्ट मैं गुड़गांव के अंदर एंट्री तो कर चुका हूँ, बट यार बारिश कंटिन्यू हो रही है, जब से चला हूँ ना घर से बारिश ही बारिश होने लगी है यार, पता ही नहीं क्या ही सिस्टम है ये। तो यार अभी ना देखते हैं धीरज का गुस्सा, भाई धीरज गुस्सा हो जाएगा मुझसे क्योंकि मैं लेट हूँ भाई, और यार लेट हो ही जाता हूँ हमेशा, पता नहीं क्यों हो जाता हूँ, समझ में ही नहीं आता यार। उसको कॉलेज से उठाना है भाई साहब को, तो भाई सबसे मेन चीज़ जो है ना लगाने की वो है मास्क, खाऊँ का पुलिस वुलिस पकड़ लेगी और 1500 रुपए की चपेट लगा देगी, इससे बढ़िया है अपने यही लगा लो पहले ही। तो यार गाइस ये आ गया धीरज यहाँ पे पेपर देके, भाई पेपर कैसा हुआ भाई? बढ़िया हो तो गुस्सा तो नहीं है मेरे से, मैं लेट आया ना, मैं क्या गुस्सा हूँ? नहीं यार मैं लेट आया हूँ ना, तो गुस्सा हो रहा था फोन पे, अब हाँ कैमरे के सामने नहीं बोल रहा बेटे। ये क्या जा रहा है धीरज, ये क्या है भाई, उल्टा चल रहा है? उल्टा कैसे चल रहा है? ओहो अबे यार बांध रखा है वो तो क्रेन से यार, मैं जो तो उल्टो जा रहा हूँ, मैं घबरा गया पर देख के भाई, मैं तो सोचा मैं आ गई इसके अंदर, वो भी स्पीड भी सही खींच के ले रहा तो मैं सोचा तातिया बिच्छू आ गया। तो यार गाइस जस्ट ने अभी हम दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं यहाँ पे और 10 मिनट के अंदर अंदर करोल बाग पहुंच जाएंगे। और भाई है ना मेरे को जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना आईपैड देने आया हूँ यहाँ पे, तो यार मेरे को है ना वो सेल करना, मतलब कि बेचना है। तो भाई मैं यहाँ पे है एक भैया है फैजल भैया, मैं उनसे ही देता हूँ ये सारी चीजें। तो गाइस देखो बारिश आ रही है, पैड 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 पैड, क्या बोला तूने? पैड 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 पैड। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, सुबह से मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ना वही बारिश शुरू हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को तो लग रहा है मेरे ऊपर ही चल रहा है बादल सर के। असंभव असंभव यार धीरज मेरे साथ है ना एक प्रॉब्लम हो रहा है यार। क्या भाई? यार मेरे को ना टॉयलेट आ जाती है यार हर जगह, यार जहाँ भी जाऊँ ना सुसु पहले आ जाती है यार। तो यार पूरे आधे घंटे बाद है ना बारिश कम हो गई है, तो यार जल्दी से काम करके आ जाते हैं। यार हम ना भीग तो जाएंगे बट यार काम करना बहुत जरूरी है, अब निकल लेते जल्दी फटाफट काम करके आते सैड पैड के। तो यार गफार के अंदर तो घुस गया पर बारिश आ रही है यार, पूरा भीग चुका हूँ ढंग से पूरी तरीके से। ये कैसे भीग गया? ऊपर से गया होगा ये पानी, पर कोई नहीं निकाल दे जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत नहीं वाली चीज। यार आईपैड ना भीगा हो यार, तो यार यहाँ पे भाई बैठे हैं, भाई को देना ये, तो जल्दी से फटाफट दे दू के करते हैं अपना काम। फोन को अंदर रखता है यार, ब्लॉग शूट नहीं करूंगा यार, खामखा भीग जाएगा मेरा जो गंजापन है ना वो दिखने लग गया यार बारिश की वजह से, सारे बाल भीग गए। और है ना अभी अपने आईपैड देना था वो है वो दे दिया है, तो आईपैड दे के अब जा रहे घर पे। ये देखो ये बैग, ये धीरज भाई बुरी हालत हो गई यार, भूख लग रही है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे जाके तो क्या खाए और क्या नहीं। अब तो है ना मैं यहाँ पे छतरी ढूंढ रहा हूँ, छतरी मिल जाए ना तो बात बन जाए, छतरी भी नहीं मिल रही यार, और सबसे बड़ी बात पार्किंग में गाड़ी नहीं मिल रही। मिल गई गाड़ी, मिल गई गाड़ी, मिल गई। सुबह से बक बक करने लग रहे हैं कि हमें भूख लग रही है बहुत तेज, फाइनली हम गुड़गांव क्रॉस करके मैकडोनल्ड आ रहा है वहां पे जाएंगे, भाई बहुत तेज भूख लग रही है और भूख के साथ में मेरे को बहुत तेज मूत लग रही है, सुसु है। मेरे को ना 3.5 घंटे हो गए यार, सुसु आ रही है बहुत जोर की, मैं तो सबसे पहले जाते के साथ टॉयलेट में घुस जाऊंगा, मैं सुसु करना भाई मेरे को। ये हम आ गए मैगडी के अंदर और यार यहाँ पे ना देखो रोड है ना थोड़ा साफ करवा दिया है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था ना इनको, अगर लास्ट वीडियो मतलब कि पहले की वीडियोस में अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना हमारी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो वाली वीडियो जरूर देखना आप, जिसके अंदर मैंने इनकी है ना खाट खड़ी कर दी थी। तो अभी ना यार गाड़ी को लगा देते, उसके बाद करते ऑर्डर, यार भूख लग रही है बहुत यार, राम रे इधर लगा देते हैं। अबे ये क्या हो गया यार, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है यार, अबे यार क्या ये भाई, यहाँ पे भी पानी है, वाह वाह बेटे वाह, मौज कर दी, रुक जा भाई इधर से नहीं चल रहे यार, यार फिर आना भी यार यार
यार जल्दी चल यार, मेरी यार सुसु आ रही है बहुत जोर की यार, हट जा यार। गाड़ी में से उतरते के साथ और प्रेशर बढ़ गया यार मेरे मेरे यार। गाइस सारे जूते भीग गए, ये देखो मेरे ना जूते अच्छे से भीग चुके सारे। और ये देखो ये फायदेमंद आदमी, इस बंदे ने सैंडल डाल रखी है। सही बता रहा, जिंदगी का सारा जो सुख है ना वो टॉयलेट निकालना है। मैं भाई यार यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा है, देखो यार टेबल से नींद बना रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, काफी सही लग रहे हैं यार, हर टेबल को बना रखे हैं। तो यार गाइज मैंने ना अभी ना ये ली थी मैकफ्लरी, तो ये बनाना वाली है, मतलब कि वो मिनियंस चल रहा है आजकल कुछ इनका पता नहीं क्या ही है जो भी है। तो धीरज मेरे को बोल रहा है कि यार ये बच्चों वाली ले ली सब है ना, हमको बच्चा समझेंगे। तो यार गाइज कमेंट करके बताना हम बच्चे हैं या बड़े हैं। यार अभी तो हम बच्चे ही हैं यार, अभी हमारी उम्र कितनी है भाई, मैं 12 साल का हूँ भाई, मैं 12 साल का हूँ। मेरे को पता भी नहीं ये मेरे को ये भी नहीं पता ये क्या है, क्या है ये बलगल है क्या, ये वहाँ पे बलगल लिखा हुआ था। तेरे को ये पता है तू का स्क्वेल क्या है, तू का स्क्वेल पता है, तेल को तो पता है भाई, मेल को नहीं पता। ₹100 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। जल्दी से अपना भोजन वोजन करके निकलते हैं यहाँ से जल्दी फटाफट, भूख लग रही है बहुत तेज। A few moments later, यहाँ पे भी जाम मिल गया यार। धीरज इतना जाम आता कहाँ से है भाई, कहाँ से है भाई, इतने सारे लोग कहाँ से आते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं। मेरे को ये लगता है पूरा वर्ल्ड एक जगह इकट्ठा हो जाता है यार, हर 5 मिनट में जाम लग जाता है यार। मैं बताऊं भाई, बारिश की वजह से ज्यादा लगे हैं, बारिश हो जाए ना तब ज्यादा लगे जाम। अरे बारिश तो पानी वानी भर जाओ दुनिया पे तो लगे ना गड्ढे में। यार वैसे भी होता है, गड्ढे में देने वाली बात नहीं है, वैसे भी होता है। ये क्या चल रहा है व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है बस के अंदर। तो यार ये देखो लोग कहाँ पे खड़े हैं, इनको है ना 1%। अरे नीचे उतर जाओ पड़ जाओगे हमारे में, तेरे बाप को मत सिखा। तो यार गाइस अभी भी जस्ट हम पहुंचे थे घर पे, धीरज उतर रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। भाई यार भाई इतना काम करना होता है लाइफ के अंदर, सोचा नहीं था कि हम पहले छोटे थे ना तो हम क्या करते थे, हमारे पास सिर्फ दो ही काम होते थे, पढ़ाई कर लो और खेल लो। तो भाई या तो पढ़ाई कर लो या खेल लो, बस इसके अलावा कोई और काम नहीं होता था। बट जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना वैसे वैसे है ना कंधों पे बोझ बढ़ता जा रहा है और ऐसे ही काम चल रहा है। तो मैंने धीरज को दिया है छोड़। तो यार जस्ट अभी मैं घर पे पहुंचा हूँ और ये ब्रेन के लिए लिया आया था मैं मैगडी से कुछ, और ये सर है ना मैंने नीचे बुला लिया था इनको, ये दिखेंगे नहीं अंधेरे में, अंधेरे में दिखते नहीं, हमारे यहाँ पे अंधेरा रहता है यार। Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for I. Didn't wanna walk. Didn't. यार आज मैं अपनी कीमती चीज दिया है यार, मतलब अब iPad है ही नहीं मेरे पास, थोड़ा टाइम पास हो जाता था उससे भी, वीडियोज वगैरह देख लेता था मैं अपनी वगैरह, अपलोडिंग वगैरह सब कर लेता था उससे, बट शायद पर कोई नहीं यार, जो होता अच्छे के लिए होता है। गाइस मैं तो पहुंच गया आराम से घर पे, तो भाई मुँह हाथ धो के अभी कुछ खाना खा लेता, मम्मी ने बनाया ना, अगर मैं कहूँगा ना कि नहीं खाना तो भाई मम्मी लड़ेगी। तो अभी जल्दी से खाना वाना खा के वीडियो एडिट करके वीडियो डाल दूंगा, वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड। भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं कराया तो, और बाकी की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए धीरू वीरू ब्लॉग्स। राधे राधे।